नमस्ते फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। ये देखो, एक साल पुराना प्लांट है मेरा। मैंने कैसे इसको कॉम्पैक्ट करके ये शेप दिया हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है एक साल के अंदर। ये ब्रांचेस, सारे जो ब्रांचेस देख रहे हो ये नए ब्रांचेस है। पहले एक ही मतलब स्ट्राइट अपेक्स जा रहा था, अभी जो ये साइड ब्रांच है इसको हम शेप देते हैं, सेमी कास्केड स्टाइल में देने का कोशिश करेंगे। ये और ब्रांचेस मल्टीप्लाई भी करना है, तीन ब्रांचेस है उनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आउटर नोड के ठीक ऊपर दो नोड्स छोड़ के मैं ये काट रहा हूँ। हर ब्रांच में दो नोड्स छोड़ रहा हूँ ताकि दो ब्रांचेस, हर एक ब्रांच में दो ब्रांचेस ग्रो हो, और वो भी आउटर नोड के ठीक आधा इंच ऊपर। इसको वायरिंग करके शेप देते हैं। कभी भी हम ब्रांच को मोड़ते समय, शेप देते समय ध्यान रखना है दोस्तों, पूरे ब्रांच पे फोर्स अप्लाई करना है, ना कि एक एक्यूरेट जगह पे। इस तरह हमने ये शेप दे दिया है। 20 दिन के बाद ये देखिए दोस्तों ग्रोथ। ये इसमें भी जो सेमी कैस्केड हमने स्टाइल दिया था उसमें भी दो लीव्स न्यू आ रखे हैं, और जो प्रून किया था तीनों ब्रांचेस में उसमें भी नया ग्रोथ आ गया है। हर नोड पे एक एक स्प्रॉट आ रहा है, ताकि मतलब तीन ब्रांच में दो दो नोड्स हमने छोड़ा था, हर नोड पे ब्रांचेस नए स्प्रॉट्स दिख रहे हैं, जिससे हमारा हर ब्रांच में दो दो ब्रांच यानी छह ब्रांच नए ब्रांचेस हमको मिल गया है, जिससे बहुत जल्द ये कैनोपी क्रिएट हो जाएगा। शेप भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही जल्दी एक अच्छा बोनसाई बनेगा। ये देखिए इस तरह हमने शेप दिया है, पिछले साल का दिया हुआ है ये। अभी वायरिंग इसको हटाना भी है। ये यहाँ मैंने एफएक्स को काटा था, ये देखिए, और जिससे हमको ये तीनों ब्रांचेस मिले हैं, और अभी इनको प्रून किया जिसकी वजह से हमको फिर हर ब्रांच से दो दो नए ब्रांचेस मिल चुके हैं। देखिए शेप काफ़ी हद तक सुंदर लग रहा है। इसको चाहे तो और भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं आगे नियर फ्यूचर। ये देखो लीव्स कितना ग्लॉसी शाइन है। ये ग्रोइंग सीजन है इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ये एक स्प्रॉट आ रहा है, इसको अनवांटेड है, और एक उसके नीचे एरियल रूट भी डेवलप हो रहा है, उसको सर्वाइव करने का भी ज़रूरत है। ये देखिए नए स्पॉट्स। ये बहुत ही जल्द एक कैनोपी क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। हर एंगल से एक अच्छा बोनसाई दिख रहा है शेप। और ये ब्रांच जो साइड ब्रांच है हमने सेमी कैस्केड बनाने का कोशिश किया है, इसको और इसको प्रून नहीं करेंगे, इसको बढ़ने देते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसको आगे शेप देते जाएंगे।
और मेरा एक प्लान है, इसको मैं ग्राउंड में प्लांट करने जा रहा हूँ आगे, ताकि जल्द से जल्द ये इसका ट्रंक भी डेवलप हो और प्लांट भी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो। ग्राउंड में लगाने से प्लांट को और उसमें ट्रेनिंग देने में आसान रहता है, जल्दी डेवलप भी होता है। ये देखिए रेल रूट, ये बहुत ही जल्द एक कैनोपी क्रिएट हो जाएगा। जिस कैसे देखिए हमने मल्टीप्लाई कैसे किया है, ये सही तरीका है मल्टीप्लाई करने का प्लांट्स ब्रांचेस को। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरा आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अगले ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।